काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर में भारत की G20 देशों की अध्यक्षता की राह में सफलता एवं आगे की राह पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा, सलाहकार दक्षिण परिसर डॉक्टर आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, मुख्य अतिथि परिकृत पायन, समन्वयक Y20, समूह सम्मानित अतिथि विनय कुमार सिंह, लेखन एवं विचारक तथा छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लतारे ने विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम डॉक्टर अनिर्बल गांगुली अध्यक्ष Y20 भारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे व्याख्यान माला का भाग है। अब तक 1600 व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जा चुका है, जिस श्रृंखला में आज दक्षिणी परिसर में विद्यार्थियों को लाभान्वित करने हेतु किया गया। मुख्य अतिथि परिकृत पायन स्वयं ही संचालन समिति के सदस्य के नाते भारत में G20 के आयोजन के महत्व को विस्तार से वर्णित किए। सम्मानित अतिथि विनय कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया और उन्हें बुद्धिमान तथा बुद्धिजीवी के बीच में अंतर समझाया और समाज के विभिन्न विचारधाराओं, अफवाहों एवं विरोध में अंतर समझने पर जोर दिया। सलाहकार डॉक्टर आनंद गोपाल बंदोपाध्याय दक्षिणी परिसर ने युवा शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला और वैश्विक समस्याओं का समाधान वैचारिक रूप से बातचीत करके करने पर जोर दिया। आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र ने G20 की अध्यक्षता को अपने देश भारत की एक बहुपक्षीय शक्ति का पूरे विश्व को एहसास कराया, जो कि संस्कृति से समृद्ध, आतिथ्य से भरपूर, संपूर्ण विश्व के कल्याण में अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका स्थापित की है। कार्यक्रम का संचालन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के प्रशासन के द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्र सलाहकार डॉक्टर आशीष लतारे द्वारा दिया गया। जब हम कश्मीर की बात करते थे तो विश्व मंच पर चाइना और पाकिस्तान मुस्कुराते थे कि भारत तो बार बार ऐसे ही बात करता रहता है। तालिबान की जब हम बात करते थे अमेरिका तभी मुस्कुराता था, क्योंकि बैड टेररिज्म और गुड टेररिज्म डिवाइड करने जो हमारे पक्ष में है वो गुड है, जो हमारे पक्ष में नहीं है वो बैड है। पहली बार G20 देशों ने टेररिज्म को एक्सेप्ट किया है कि टेररिज्म बैड ही होता है। ये पहली बार भारत की जीत है।